इस मीटी मंडे में आप सीखने वाले हैं चिकन टिक्का, दैट परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का, बट इन द कंफर्ट ऑफ योर होम विदाउट अ तंदूर। लाखों रेसिपी हैं चिकन टिक्का की ऑनलाइन, बट दिस इज गोयला स्टाइल। आप लेंगे एक बड़ा कप दही, जिसको आप टांग देंगे 4 से 6 घंटे, फिर आपको सिर्फ आधा कप दही बचेगा विच यू विल यूज टू मैरिनेट। इसको आप एक लिड से कवर कर दें, छोड़ देंगे कम से कम 4 घंटे के लिए। तो देखिए, मैंने आधा किलो लेग बोनलेस लिया है। फॉर थिक जूसी पीसेस ऑफ अ टिक्का यू जस्ट नीड टू स्प्लिट 1 thigh into 2, एंड राइट हियर फ्रॉम द सेंटर यू विल सी देयर इज अ लिटिल सेक्शन from where you can very very easily slice your chicken. So you are looking at tikka pieces like these. सबसे पहले आप 1.5 चम्मच नमक डालेंगे चिकन में, 2 heaped teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और 1/2 नींबू का रस। जिंजर गार्लिक सॉल्ट और लेमन जूस में आप मिला के इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो अब बारी आती है तंदूरी का जो मसाला है वो बनाने के लिए। 3 बड़े चम्मच कोरिएंडर सीड्स, 1.5 बड़ा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच शाही जीरा, 3 बड़ी इलायची, 8 छोटी इलायची, 3 से 4 इंच दालचीनी, 2 बड़े पीस मेस के यानी कि जावित्री। इसमें आप 1/4 टीस्पून जायफल यानी कि नटमेग का डाल देंगे पाउडर। हम इन मसालों को ड्राई रोस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पिसने के बाद रेसिपी टिक्के में जाएंगे और टिक्का जो है तंदूर में या गैस पे अच्छे तरीके से सियर होगा, तो मसाला विल गेट कुक्ड। फ्रेश तंदूरी मसाला जो गोयला स्टाइल हमने पीसा है उसकी बात ही कुछ और। अब आप एक बोल में 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लेंगे, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, आप 1.5 चम्मच देगी मिर्च लेंगे और इसको ऑयल में मसाज करेंगे ताकि मिर्ची का ब्राइट रंग जो है ऑयल में चला जाए। आपका जो दही है पनीर की तरह बन गया, इट्स वेरी वेरी थिक। दिस इज 100 grams आफ्टर हैंगिंग, ऑलमोस्ट 1/2 कप ऑफ योगर्ट, 2 टीस्पून रोस्टेड कसूरी मेथी। हमने जो तंदूरी मसाला बनाया था 1.5 टीस्पून डालेंगे, 1/2 नींबू का रस डालेंगे। अब इसमें आप नमक डालेंगे, अब इसको आप विस्क कर लेंगे। लुक एट दैट लवली ऑरेंज कलर। अब आप इस मिक्सचर में हमने चिकन को जो मैरिनेट किया था फर्स्ट मैरिनेट 2 घंटे के लिए डाल देंगे। दोनों मैरिनेशन करने इसलिए जरूरी है ताकि जो आपकी चिकन लेग है उसके अंदर जो टेंडन्स होते हैं दे विल ब्रेक अपार्ट, एंड व्हाट विल हैपन, योर चिकन टिक्का विल बी सॉफ्ट, मेल्ट इन द माउथ, जूसी, वो सब चीजें होती है मैरिनेशन करने से। 1 बड़ा चम्मच बेसन का मिला रहा हूँ। गोयला अपना कोई भी चिकन टिक्का या तंदूरी चिकन 12 घंटे से कम मैरिनेट नहीं करता है। सो ओवरनाइट मैरिनेशन इफ यू आर फॉलोइंग माय रेसिपी। सो आई एम गोइंग टू मैरिनेट दिस चिकन फॉर एटलीस्ट 12 to 14 hours। इट्स इवन बिकम थिकर जो उसका मैरिनेट था, इट्स कोटिंग द चिकन वेरी वेरी नाइसली। तो चलिए अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लेट्स क्योर इट। तो आप एक लंबा साते स्टिक लेंगे विद अ पॉइंटेड एंड, इस साते स्टिक में आप 1 चिकन का पीस लेंगे लाइक दिस, एंड व्हाट यू डू इज इट्स वेरी वेरी सिंपल, यू हैव टू मेक इट इनटू सॉर्ट ऑफ प्लीट्स। आपको इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। अभी ये कैसा है, स्ट्रेट। चिकन की एक साइड को इसमें प्रिक करेंगे एंड नाउ यू विल टर्न इट अ लिटिल, skewer it again, turn it a little, skewer it again, and you will turn it again and skewer it again. एकदम tight skewer करना है आपको। अगर आपके पास ऐसा साते स्टिक नहीं है, you can use any other skewer, but skewer आपको लगेगा तभी तो आप चिकन टिक्के को ढंग से उसमें स्यू कर पाएंगे, तभी वो evenly पकेगा, तभी उसमें टिक्के वाली शेप आएगी। तो एक स्टिक पे मैं ऐसे 3 टिक्के लगा रहा हूँ। इसको अब हम लोग बेक करेंगे। सो वी आर लुकिंग एट 22 मिनट्स इन द अवन एट 170 डिग्री सेल्सियस। चलिए चेक करते हैं कि इसको और पकने की जरूरत है। ओह, इट्स वेरी वेरी जूसी। यस, सो दिस नीड्स मोर टाइम गाइस। अभी भी अंदर से थोड़ा सा पिंक है एज यू कैन सी। तो इसको अब हम लोग 5 मिनट और पकाएंगे। 25 मिनट हमने इस चिकन टिक्का को पकाया है, लुकिंग गुड। अब इस रेड हॉट पैन में आप थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे 1 चम्मच जस्ट टू ग्रीस इट। अब आप इसमें आपका ग्रिल किया हुआ चिकन स्क्यूअर्स, चिकन टिक्का डाल देंगे। इट विल वेरी वेरी क्विकली कैच ऑन टू दैट नाइस चार ग्रिल कलर। कोयले का बटर बनाने के लिए आपको 1 पीस कोयला जो है
गैस पे इस तरीके से रेड हॉट करना है। अब आप एक स्टील की कटोरी में बटर मेल्ट कर लेंगे, ये गर्मा गर्म कोयला डाल देंगे एंड यू कवर इट अप। 5 मिनट हो गए हैं, फॉयल को खोल लीजिए और इस बटर को छान लीजिए। अब इस चिकन पे आपका जो कोल बटर था, कोयले का मक्खन, वो डालेंगे। बस 2 मिनट के लिए आप इसको तवे पे पकाएंगे। देखिए नीचे से और ऊपर से दोनों साइड से इसने अच्छा रंग पकड़ लिया है। दैट्स इट, इसको अब हम निकाल लेते हैं। द फ्लेवर्स आर जस्ट बैंग ऑन। अब अपनी मुझसे अपनी तारीफ करनी नहीं चाहिए, बट दिस इज़ प्रॉबली द बेस्ट चिकन टिक्का रेसिपी यू कैन मेक एट होम।